अगर आप लोग भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, चाहे आप जो है योनो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आपके पास जो है रिवॉर्ड पॉइंट होगा। जो मेरे पास यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट देख सकते हैं, मेरे पास अभी तक 18 रिवॉर्ड पॉइंट है, और इसको मैं अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है यहाँ पर योनो एप्लीकेशन पे आप लोगों को लेके आ गया हूँ सबसे पहले तो। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है, इसको जो है सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में लेने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ तक जो है आप लोग करते क्या हो, सबसे पहले तो जो है जितने लोग भी वीडियो जो है सर्च करके आ रहे हो, या तो दोस्तों जितने लोग भी आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आ रहे हो, जितने लोग जो भी ब्राउज फीचर्स देख रहे हो वीडियो को, तो आप लोग करते क्या हो दोस्तों, आप लोग जो है एक ही काम करते हो, कुछ टाइम वीडियो देखते हो उसके बाद छोड़ देते हो। अब वीडियो देखने के बाद छोड़ देते हो तो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो जो है आपके बैंक अकाउंट में तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए भाई, आप वीडियो को जो है कंप्लीट देखते नहीं हो, और जो है आप जो है कमेंट करने लग जाते हो, कोई तो गाली गलौज करने लग जाता है, कोई तो कमेंट करने लग जाता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो है कोई आगे बढ़ने नहीं देता है लोगों को। जैसे कि दोस्तों आप मेरे को ही देख लो, यहाँ पर जो है मेरा चैनल बनाए हुए, ठीक है, चैनल बनाए हुए लगभग मेरे को 3 साल हो गया, 3 साल में जो है आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छा जानकारी लेके आता हूँ, अच्छा वीडियो लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं हो, पता नहीं आप क्यों नहीं देखते हो। आप जिसका भी वीडियो देखते हो, देखो भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो देखना ही नहीं चाहते, चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू आए हो, चाहे ब्राउज फीचर के थ्रू आए हो, जितने लोग भी आए हो, लेकिन जो है वीडियो कंप्लीट देखा करो यार। मैं बार बार बोलता हूँ कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट देखा करो, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। तो जो है दोस्तों आप लोग जो है देखना चाहते हो तो कंप्लीट देखो, वरना जो है चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भी, ठीक है। और कोई देखने वाला होगा, वो जो है अपने हिसाब से, मतलब उसको ज़रूरत होगा तो वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जो है रिवॉर्ड पॉइंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है। फिलहाल तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, तो वीडियो देखना चाहते हो देखो, नहीं देखना चाहते तो वीडियो पर क्लिक ही मत करो यार। आप लोग मेरा जो है वॉच टाइम जो होता है उसको गिरा देते हो, वीडियो आगे चलती नहीं है, मेरे को बहुत निराश लगता है, बहुत जो है मेरे को प्रॉब्लम होती है। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और जो है आप लोग कुछ टाइम जो है कुछ सेकंड देख के आप वीडियो बंद कर देते हो, बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो देखना है तब जाके क्लिक करो, नहीं देखना है तो मत क्लिक करो यार, क्यों, बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो जो है बात तो हो गई, ठीक है। अब जो है रिवॉर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं सबसे पहले इसको जो है लॉग आउट कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं कि जो है यहां पर मैं लॉग आउट हो गया, ठीक है, लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैंने लॉग आउट कर लिया, जो रिवॉर्ड पॉइंट है लॉग आउट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट को जो है अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एम पिन डाल के लॉगिन करेंगे, या तो यूजर आईडी डाल के लॉगिन करेंगे। तो मैं जो है यहाँ पर एमपिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से, मैंने एमपिन डाल दिया और यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे स्क्रॉल करते आएंगे देख सकते हैं, यहाँ पर सारा फंक्शन फैसिलिटी दिख जाएगी योनो एप्लीकेशन की, और नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको SBI रिवार्ड, यहाँ पर नीचे नीचे में दिख जाएगा SBI रिवार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं SBI रिवार्ड लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से जो हमारा रिवॉर्ड पॉइंट है वो जो है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना है, रिडीम करने के लिए दोस्तों आपके पास जो है रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर रिडीम होगा। आपके पास कितना रिवॉर्ड पॉइंट है ये हमें नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिडीम नाउ पे क्लिक कर देते हैं, और रिडीम नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है कुछ डिस्क्लेमर आ गया, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देना है। और एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा, एग्री पे हमने क्लिक किया, ये SBI रिवार्ड जो है यहाँ पर जो है लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, तो लोडिंग हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा अपने आप। अब जो है बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि लॉगिन नहीं हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। अब चलिए इसको रिवॉर्ड पॉइंट को हम जो है क्या करने वाले हैं कि अकाउंट में लेने वाले हैं। अब अकाउंट में कैसे लेते हैं चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो आपके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्लेम योर रिवॉर्ड करके लिखा है, क्लेम योर रिवॉर्ड, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ई कॉमर्स पे खर्च कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर लेके खर्च कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं,
SBI ग्रीन लिखा हुआ है, ऑफर्स लिखा हुआ है, मूवीज लिखा हुआ है, ट्रेवल लिखा है, सी मोर पे क्लिक करके और सारा बहुत कुछ कर सकते हैं। सी मोर पे हम क्लिक करके एक बार बता देते हैं, सी मोर पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ रिवार्ड पॉइंट को आप खर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड में खर्च कर सकते हैं, DDH में खर्च कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, मूवीज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन फंड, यहाँ पर ऑफर, बस ये सारा चीज़ दिया गया है। ट्रेन के भी, ट्रेन अभी कमीशन है, इसका भी आप जो है आगे चल के इसका भी बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो है हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो है जो जो गिफ्ट कार्ड का पैसा है, रिवॉर्ड पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट को हमें अपने बैंक अकाउंट में लेना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे चलिए आप लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, रिवॉर्ड पॉइंट को बैंक अकाउंट में लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लेम रिवार्ड वगैरह वगैरह दुनिया भर का लनफन देखने को मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम जो है इस पर क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करते हैं, और क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करना क्या होगा, रिवार्ड को अपने जो है रिवार्ड पॉइंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर जो है गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले हैं, तो गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले हैं तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो अमेजोन गिफ्ट कार्ड दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं अमेजोन गिफ्ट कार्ड, अमेजोन गिफ्ट कार्ड खरीद लेंगे इस रिवार्ड पॉइंट से, तो अमेजोन गिफ्ट कार्ड इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का जो गिफ्ट कार्ड है यहाँ पर देख सकते हैं 18 पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। तो इस 18 पॉइंट को हम जो है क्या करेंगे कि इस पर जो है खरीदने वाले हैं, तो ये जो है यहाँ पर सिलेक्ट गिफ्ट कार्ड अमाउंट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग आप लोगों की ज़रूरत होगी 8000 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, 8000 से ऊपर का आप जो है यहाँ पर 8000 पॉइंट, उसके बाद 20000, उसके बाद 40000। तो हमारे पास उतना नहीं है फिलहाल, जी हाँ दोस्तों हमारे पास फिलहाल उतना रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, आपके पास होगा तो गिफ्ट कार्ड में आपको जो है क्या करना है उसको खरीद लेना है, ठीक है। अब जानते हो गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद दोस्तों आपके पास जो है गिफ्ट वाउचर का जो नंबर होता है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जितना रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास है वो सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल हमारे पास जो है अभी उतना रिवॉर्ड पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है, पहले जो है मतलब जितना भी रहता है 8-10 फोटो रहता था तब क्लेम हो जाता था, लेकिन अब जो है इसका कुछ फंक्शन फंक्शनलिटी चेंज हो गई है, और जो कुछ फंक्शन फंक्शनलिटी चेंज हो गई है तो दोस्तों यहाँ पर 8000 से स्टार्ट हो रहा है, 8000 से स्टार्ट हो रहा है, और 8000 का रिवॉर्ड पॉइंट आप जो है ले सकते हैं। फिलहाल इसको लेने के लिए दोस्तों 18 पॉइंट को लेने के लिए हमें 8000 करना पड़ेगा, 8000 जब पूरा करेंगे तब जो है इसको रिवार्ड पॉइंट को हम जो है क्लेम कर सकते हैं। देखिए अमेजोन पे गिफ्ट वाउचर खरीद लेंगे, अमेजोन के गिफ्ट वाउचर को जो है आप क्या करेंगे वहाँ पर जो है पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ पर डाल के कन्वर्ट कर लेंगे, और जो है सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कि आप गिफ्ट कार्ड अमेजोन गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। अगर यहाँ से आप कर देते हैं तो अमेजोन के गिफ्ट कार्ड के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और जो है देख के आप सीख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपको रिडीम करना है, मतलब जो है पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यही बस जानकारी देनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही हो, समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करना है, तमाम दोस्तों शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।